Hello students, good morning to all of you. Today we will start our next topic of chapter 1, chemical equation and chemical reaction and equation. Class 10 English medium science. हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन है, उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर. लेट्स सी ऑन बोर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ एन सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. मतलब उसने क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि हमारे पास एक सब्सटेंस है एक्स, वेरिएबल एक्स इज अ वेरिएबल, और इसके यूज किसमें होता है? व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है ना. सफेदी में इसका यूज किया जाता है. नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला. हमको उस एक्स सब्सटेंस का नाम बताना है और उसका फॉर्मूला हमें लिखना है. एंड सेकंड वन, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन अबव विद वाटर. और हमें उस सब्सटेंस एक्स का रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ. तो सबसे पहले आपको सब्सटेंस का नाम देता बता देना, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड. तो उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड उसका नाम, और उसका फॉर्मूला जो है वो है CaO. तो आपको सब्सटेंस का नाम पता चल गया, X का नाम है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. इसका आप रिएक्शन करवा दे वाटर से, CO प्लस H2O क्या बनेगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो CaOH2 प्लस हीट, ठीक है. तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद हीट. तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, हम इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसका एग्जांपल चल सकता है. चलिए सेकंड वन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम. हमें क्या करना है कि केमिकल इक्वेशंस इसके अनुसार हमें बनानी है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, एंड उसका नाम भी बताना है ना, सॉरी उनको बैलेंस भी करना है. तो सेकंड और फर्स्ट वन, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. मतलब हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रोजन से रिएक्शंस करता है तो अमोनिया बनानी है हमें. हम याद करेंगे हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस क्या बना हमारे पास में? NH3. अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3. इसको बैलेंस करेंगे हम. देखिए नाइट्रोजन दो है, हाइड्रोजन भी दो है, हम यहाँ पर टू लगा देते हैं. नाइट्रोजन टू हो गया, हाइड्रोजन थ्री, टू जा सिक्स, ठीक है. हाइड्रोजन हमारे पास में सिक्स है, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ हमने लगा दिया. तो ये पहला बन गया हमारा, बैलेंस भी हो गया इक्वेशन और अमोनिया भी हमने बना दिया. सेकेंड वन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. मतलब कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर जलन गैस हम ऊपर कर रहे हैं इसको, बीच सेक्शन डाल के हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S रिएक्ट विद ऑक्सीजन. हवा में जब इसको जलाते हैं तो हम यहाँ पर एयर O2 क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस प्लस हमारे पास बन रहा है वाटर. वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमने पहले लिख दिया एंड देन वाटर H2O. अब इसको बैलेंस करेंगे हम. हाउ मेनी ऑक्सीजन? 2 और 1 3. इसको हमने बैलेंस करके 2 लगा दिया हमने. ये हो गया हमारे पास में 2 और 2 4 ऑक्सीजन. यहां पर 2 ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन कितना हमारे पास में? 4, लेकिन हमें 2 है, यहां पर 2 लगा दिए. इसको भी 2 कर दिया यहां पर. 2 टू 4 और 2 6, 6 ऑक्सीजन है, यहां लगा दिया हमने. तो ये बन गया हमारा बैलेंस इक्वेशन भी, ठीक है. आपको इस तरह से लर्न करना है. एंड नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 ट्राइस, ठीक है. लास्ट टाइम हमने इस तरह से फॉर्मूला
क्या बोल रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। देखिए SO4 कितने हमारे पास 3, यहां 3 लगा दिया हमने, इसको भी 3 लगा दिए, क्लोरीन हो गया 3 2 6, लेकिन हमारे पास में 3 है, यहां पे लगा दिया। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हो गई और हमने जो प्रोडक्ट्स है वो भी बना लिए। इसके आगे का हम आगे देखते हैं उस पार्ट में। यस नेक्स्ट वन डी, हमने डी तक सी तक देखा, डी देखते हैं। पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब पोटेशियम मेटल्स, पोटेशियम सिंबल के, रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH एंड हाइड्रोजन गैस प्लस H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे भाई? हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, इसको हम 2 लगा देते हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, हमने 2 लगा दिए। हमारे पास तो ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, पोटेशियम 2 है, लिया पोटेशियम 1 ही है इसलिए हम लगा दिया पर। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन भी इस तरह से ही है, हमें इक्वेशन बनानी है जो हमें वर्ड्स में लिखा हुआ है ना, और हमें उस इक्वेशन का नाम बताने की विच टाइप इक्वेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड्स। चलिए देखते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमें ये रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करना है, बताना है कि ये कौन सी विच रिएक्शन। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ये पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला। बेरियम हाइड्राइड BaI2, क्या बन रहा है? पोटेशियम हाइड्राइड KI प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक है, हम उसको बैलेंस कर लेते हैं, टू लगा दिए, ये बैलेंस हो गई। क्या देख सकते हैं भाई कौन सी है ये इक्वेशन? यहां पर देख सकते हैं हम, इन्होंने अपने जो आयन है उसको चेंज किए, पहले K के साथ Br था, अब K के साथ I आ गया, Bi के Ba के साथ में I था, Br आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो लिखेंगे इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे आपको समझ में, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड वन जिंक कार्बोनेट ZnCO3, क्या बन रहा है? इसको हीट दे रहे अपन, है ना, हीट दे रहे, देख सकते हो जिंक कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं, मींस अपन आ गए हीट, ये बन गया है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हो गया, इसका डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोज हो गई, टूट गई है। ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट मिले? मोर देन वन, है ना, एक से ज्यादा मिले, क्या लिखेंगे अपन? इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, आपके आ रहा है समझ में? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, क्या बन रहा भाई? HCl, टू लगा दिया, याद देख सकते हो आप, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिखेंगे इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट। आपने देखा होगा कुछ जुगनू होते हैं, फायर फ्लाई जो होता है, जो कीट होते हैं, जुगनू की बात कर रहे हैं तो आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं,
ठीक है ना। तो इसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि क्यों चमकता है, क्योंकि उनमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो फायर फ्लेम्स होते हैं, फायर फ्लेम्स हैव अ स्पेसिफिक प्रोटीन, तो यहां लिखेंगे फायर फ्लेम्स हैव प्रोटीन। इनके पास प्रोटीन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। अभी क्या करता है प्रोटीन, एंजाइम्स की प्रेजेंट में अंडरगोस एरियल ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अंडरगोस एरिया ऑक्सीडेशन। ठीक है, मींस इनके पास में जो प्रोटीन होता है ये एंजाइम के प्रेजेंस में वो उससे रिएक्शन कर लेता है हवा से और इमिशन ऑफ लाइट, और ये लाइट को जनरेट करता है ना, एंड देन इमिशन ऑफ लाइट, और जो लाइट होता है उसको जनरेट करता है जिससे हमें वो चमकते हुए दिखाई देते, जलते हुए दिखाई देते। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन है जो आप लिख लेना, उसको लर्न कर लेना, इसमें बोर्ड पर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। थैंक यू।